सांसद मनोज तिवारी जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हरीश खुराना जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मनोज जी से आपको संबोधित करें। दोस्तों, जब हमें दिल्ली के सांसद के रूप में काम करते करते अचानक पता चलता है कि दिल्ली के लोगों को, जिन लोगों ने, जिस आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे सपने दिखाए, वो किस प्रकार से उन सपनों के बहाने दिल्ली की भोली भाली जनता को लूट लेते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है। और कुछ बातों को लेकर के हम दिल्ली की जनता के बीच आते हैं, कभी सड़कों पे भी, कभी मीडिया के थ्रू भी, और कभी सभाओं के मार्फत भी। आज जब हम आपके सामने बैठे हैं, तो मुझे आपको एक और जानकारी देते हुए दुखी हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके कई लोग अभी भी लगातार जेल के शिक्षों के पीछे हैं और कोर्ट उनको बेल भी नहीं दे रही है, लेकिन वो अपने अन्य घोटालों से भी बाज नहीं आते हैं। और लगातार जिस प्रकार से दिल्ली के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लूट करते हैं, वो जारी रहता है। उस पे ऐसा लगता है न तो उनको कोई अफसोस है और न ही कोई उस पे रुकने की कोई मनसा है। कल लोकायुक्त में हमारा केस था, करीब 2016 की एक घटना को लेकर के हमने, हमारे भाई हरीश खुराना जी ने और हमारे एक दो अन्य साथियों ने भी, हम लोगों ने एक केस दायर किया कि दिल्ली में क्लासरूम घोटाला हुआ है। पहली बार तो किसी को समझ में नहीं आया, जिन अथॉरिटी को हम समझा रहे थे, मीडिया को सबे भी आश्चर्य हुआ था। कल जब हमारा केस एक लंबे समय के बाद लोकायुक्त महोदय के पास गया, लोकायुक्त महोदय ने डीओबी, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस, इनकी रिपोर्ट्स मांगी, और कल जो फैसला आया है, उस फैसले की प्रति हमारे पास है। ये है उस फैसले की प्रति जो कल लोकायुक्त महोदय ने रेस्पोंडेंट नंबर 1, रेस्पोंडेंट नंबर 2 को समन किया है, इस क्लास घोटाले, क्लासरूम घोटाले में सस्पेक्ट मानते हुए। अब रेस्पोंडेंट 1 और 2 कौन है, ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बच्चे बच्चे के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया रेस्पोंडेंट नंबर 1, जब जब हम रेस्पोंडेंट नंबर 1 कहें तो आप समझ लीजिएगा मनीष सिसोदिया की बात हो रही है, और रेस्पोंडेंट नंबर 2, ये जो कोर्ट की भाषा है, उसमें सत्येंद्र जैन है। आपको इस फैसले की एक छोटी सी बात में अंग्रेजी में कोट करता हूं कि मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 7180 क्लासरूम्स इन प्रायोरिटी 1 प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 12748 क्लासरूम्स इन प्रायोरिटी 2 प्रोजेक्ट बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ द GNCTD। इस केस में जहां हमने कहा था, आपको शायद याद भी हो, ये पंक्ति हमारे तरफ से आई थी कि 5 लाख का कमरा 25 लाख में, हमने तब 25 लाख कहा था, 5 का 25, एक लाइन चल रही थी पूरे दिल्ली में। बेसिकली अब ये 5 का 33 है। जो कमरा 5 लाख में बन सकता था, उसको
33 लाख में बनाने का इन लोगों ने टेंडर किया। क्लासरूम बने ये हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी बहुत चिंतित हैं कि दिल्ली के क्लास में जहां 30 लड़के क्लास में होने चाहिए, वहां 50 से भी ज्यादा एक क्लास में लड़के पढ़ते हैं, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। शिक्षा मौलिक अधिकार है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने से शिक्षा नहीं मिल सकती है लोगों को। लेकिन क्लासरूम बनाना उद्देश्य नहीं है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ और आगे जो केस यहां तक पहुंचा है, जो मैं आपको ये इसके कुछ लोकायुक्त महोदय के इस फैसले की कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वो इस दिल्ली के लोगों को हैरान कर देगा। जिस लोकायुक्त और लोकपाल, इसके लिए आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला करती थी, उसी पद ने, उसी कुर्सी ने कहा कि अगर ये जेल में भी है तो इनको जाकर के बताइए कि ये अपना पक्ष प्रस्तुत करें, इसमें सस्पेक्ट दिख रहे हैं। क्या लिखते हैं वो कोट करना चाहता हूं मैं फैसले को, कि लेट नोटिस बी सर्व्ड थ्रू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द कंसर्न जेल इफ द रेस्पोंडेंट नंबर वन कंटिन्यूज टू बी इन द जुडिशियल कस्टडी टिल देन। शेम है ऐसे लोगों पे। और इस केस में जब लोकायुक्त महोदय इस जगह तक पहुंचे हैं, हमारे जो लर्नेड वकील हैं अमित तिवारी, नीरज गुप्ता, उन लोगों की बहस के बाद, मैं चूंकि खुद भी कल कोर्ट में उपस्थित था, हम लोकायुक्त महोदय के चेहरे का एक्सप्रेशन भी देख रहे थे, हैरान थे। ऐसा भी हो सकता है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 7180 कमरे बनाने के लिए 999 करोड़ रुपए के टेंडर हुए, तो वो किसी और बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास न जाए, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ही पास रहे, कैबिनेट में न भेजना पड़े, ताकि कैबिनेट में जाए तो एलजी के पास न जाना पड़े। इसलिए इन लोगों ने 999 करोड़ के टेंडर को 16 टुकड़ों में बांटा, जिससे वो 100 करोड़ से नीचे हो गया। और रूल यह है कि 100 करोड़ से नीचे के प्रोजेक्ट को, टेंडर को, मंत्री अपने स्तर पे कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक ही था। और 999 करोड़ को जब ये 16 टुकड़ों में बांटते हैं, तो उनके नीचे के अधिकारियों ने उसको 65 टुकड़े में बांटा। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो इस समय कट्टर भ्रष्टाचारी के परिभाषा में खड़े हैं, कि क्या ये आपका मोडस ऑपरेंडी है? क्या यह आपका अपराध करने का एक तरीका बन गया है? क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्ट को ये कई टुकड़ों में बांटते हैं, ताकि किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को न जा सके। आज जब हम आपके सामने हैं, इन लोगों को समन हो चुका है, और हेल्थ के आधार पे सत्येंद्र जैन अब इनकी इलाज चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है इस क्लासरूम घोटाले के रूप में इन लोगों ने एक और बहुत बड़ा अपराध किया। 999 करोड़ को, जो इन लोगों ने बांटा था 16 टुकड़े में, उसको 65 टुकड़े में बांटा और उसको सीधे डबल कर दिया। मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक क्लासरूम का 27 करोड़ रुपए का बजट, एक स्कूल में पड़ता था 27 करोड़, तो इन लोगों ने एक बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स और एक तेवतिया ग्रुप, जो इनका ये जो राजमहल बनाने में जो अभी केस चल रहा है, उनको बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी टेंडर के, उसको पर स्कूल 27 करोड़ की जगह 54 करोड़ में करके दे दिया। दिल्ली के लोगों का पैसा,
तब हम पूछना चाहते हैं कि 5 लाख में बनने वाला कमरा 33 लाख तक पहुंच गया। दिल्ली के लोगों का, आम लोगों का, भोले भाले लोगों का पैसा लूट खाया आम आदमी पार्टी ने, और बच्चों के स्कूल बनाने के नाम पर भी लूट कर दी। दिन हम पूरा विश्वास करते हैं कि हम इस लड़ाई को, जो अब एक तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के साथ चलेगी, इसमें भी दोषियों को कड़ी सजा मिले और ऐसे लोगों को दिल्ली के लोग पहचाने। इस जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसमें अगर कोई बात आप सबकी हो तो जी हां, ये सब कुछ DOB डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस, इसने पहले, लोकायुक्त महोदय ने पहले इसकी रिपोर्ट मांगी थी DOB से, उनके रिपोर्ट भी आ चुके हैं। कुछ इस विषय में जोड़ना चाहते हैं हरीश खुराना जी साहब। धन्यवाद संजय जी। आदरणीय मनोज तिवारी जी और मेरे मीडिया के बंधु, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी जिक्र आया कि भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जिस डिपार्टमेंट में हाथ लगाइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही करती है, ये हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखा। लेकिन जो शिक्षा क्रांति की बात करते थे, स्कूल क्लासरूम के घोटाले में भी इन्होंने नहीं छोड़ा। 2016 के अंदर जब मनोज तिवारी जी अध्यक्ष थे, 2017 के अंदर, तो इनके आज्ञा अनुसार हम लोगों ने RTI डाली। नीलकंठ बख्शी जी भी यहाँ हैं, कपिल मिश्रा जी थे, हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे जो किया उसको, अब जो चीजें सामने आई हैं ये डिटेल ऑर्डर की कॉपी है। इसमें इंटरेस्टिंगली 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2 लाइनें पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को। इट हैज टू बी असर्टेन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज अवॉर्डेड ऑफ द क्लासरूम बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन Priority 1, दैट इज तेवतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हैज एनी कनेक्शन विद तेवतिया चौहान एंड शर्मा आर्किटेक्ट दैट वाज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 6 फ्लैगस्टाफ रोड। जैसा भी मनोज तिवारी जी ने जिक्र किया कि इनका कनेक्शन, ये एक ही कॉन्ट्रैक्टर्स को, चाहे वो 6 फ्लैगस्टाफ रोड हो, चाहे वो स्कूल के कमरे हो, चाहे सड़कों की बातें हो, ये एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दिया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है उस कॉन्ट्रैक्टर का और अरविंद केजरीवाल के बीच में, ये अरविंद केजरीवाल को बताना होगा। और जिस प्रकार से अपने डिटेल ऑर्डर के लास्ट लाइन में एक और पढ़ूंगा आपको, फ्रॉम द अबव, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, फ्रॉम द अबव इरेगुलरिटीज एंड इश्यूज आर प्राइमा फेसी ऑब्जर्व, पॉइंट टू बी नोटेड, इरेगुलरिटीज एंड लैप्सिस आर प्राइमा फेसी ऑब्जर्व ऑन द पार्ट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ PWD, एजुकेशन एंड पब्लिक फंक्शनरीज हु फेल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड इन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशंस। Therefore, the matter to be placed before the relevant competent authorities for appropriate disciplinary action, it deemed fit for the concerned disciplinary action. ये already लोकायुक्त ने order दे दिए हैं कि respondent को तो होना ही होना है, हाजिर होना है 6 मार्च को, लेकिन जो concerned authorities हैं, जो ये signing authorities हैं, officials, उनके खिलाफ disciplinary action हो, ये लोकायुक्त ने अपने डिटेल ऑर्डर में भी लिख के दिया है। इसलिए हमारा मानना यह है कि वो दिन दूर नहीं है कि जो इस सबके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल जी, वो भी इन चीजों के, इन सलाखों के पीछे होंगे। हमारा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।